दोस्तों सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे टेक गुरुजी चैनल को और दबाइए बेल के आइकन को, जिससे हमारे आने वाली सभी लेटेस्ट टेक्निकल वीडियोस की इंफॉर्मेशन आपको सबसे पहले आपके मोबाइल स्क्रीन पे मिल जाएगी। तो दोस्तों इस एपिसोड में आज मैं आपको बताने वाला हूं कि Xiaomi ने लॉन्च किया है टैबलेट। जी हां दोस्तों, चीन में अपना नया टैबलेट Mi Pad 3 लॉन्च किया है। अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूं तो दोस्तों करीबन इंडियन रुपीस के हिसाब से 14,000 रुपए में मार्केट में उतारा है। Xiaomi ने चीन की अपनी वेबसाइट पर इसे लिस्टिंग कर दिया है। ये कंपनी की पिछले टैब Mi Pad 2 का अपग्रेड वर्जन है, जिसे साल 2015 में लॉन्च किया गया था। अगर मैं दोस्तों Mi Pad 3 की स्पेसिफिकेशन की अगर बात करता हूँ तो इसमें आपको 7.9 इंच का रेटिना डिस्प्ले मिलेगा, जिसका रेजोल्यूशन 2048x1536 पिक्सल है। इसमें आपको 2.1 GHz का MediaTek का MT8176 प्रोसेसर के साथ 4GB रैम मिलेगा। इस टैब की इंटरनल मेमोरी की बात करूं तो आपको 64GB मिलेगा। और दोस्तों ध्यान में रखने वाली बात यह है कि इसके अंदर माइक्रो SD कार्ड लगाने का कोई भी ऑप्शन नहीं है। दोस्तों Mi Pad 3 का बैक कैमरा 13 MP है। दोस्तों इसके अलावा अगर फ्रंट कैमरे की बात करूं तो इसमें आपको 5 MP का फ्रंट कैमरा मिल जाएगा। और अगर कनेक्टिविटी की बात करूं तो इसके अंदर आपको वाईफाई और साथ में ब्लूटूथ का दोनों सपोर्ट करने वाला ऑप्शन दिया है। अब दोस्तों अगर बैटरी की बात करता हूं तो इसके अंदर 6600 MHz की बैटरी दी गई है। दोस्तों अब मैं इसके डायमेंशन और वेट की बात करूंगा तो दोस्तों इस टैब की वजन है 328 ग्राम इसका वजन है। और डायमेंशन की बात करूं तो दोस्तों 2004x132.6x6.95 mm डायमेंशनल का टैब आपको मिलेगा। अब दोस्तों अगर मैं कलर्स की बात करूं तो इसमें दोस्तों फिलहाल तो गोल्ड कवर ही आपको अवेलेबल मिलेगा। तो दोस्तों अभी तो फिलहाल ये चाइना में लॉन्च हो चुका है, लेकिन जल्द ही ये भारत में लॉन्च हो जाएगा। सुनने में आ रहा है कि दोस्तों कि अगस्त महीने के एंड तक इंडियन मार्केट में आ जाएगा। अब तो दोस्तों इंतजार करते हैं कि ये अगस्त के एंड महीने में आ जाए इंडिया में। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी सवाल हो या फिर दोस्तों हमारे चैनल के बारे में कोई भी सुझाव हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।